महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के ग्रांट रोड के कमाठीपुरा इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। ये भीषण आग देर रात 2 बजे लगी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत होने की भी खबर है। रेस्टोरेंट में लगी ये आग इतनी भयानक थी कि पास के मॉल और एक बिल्डिंग को भी खाली करवा दिया गया। रेस्टोरेंट में जो भीषण आग लगी उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई है। इसमें देखा जा सकता है कि रेस्टोरेंट से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकल रही है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बृहन मुंबई नगर निगम के मुताबिक ग्रांट रोड के कमाठीपुरा में एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। इसमें एक व्यक्ति के मौत की खबर है। एक अज्ञात पुरुष का जला हुआ शव परिसर के बाथरूम में पाया गया। उसके बाद उसे जेजे अस्पताल ले जाया गया। किसी अन्य घायल या लापता व्यक्ति के बारे में पूछताछ जारी है। मुंबई फायर सर्विस ने बताया कि मौके पर आग बुझाने के लिए दमकल की 18 से 20 गाड़ियां मौजूद है। टाइम्स नाउ और नवभारत की खबर के मुताबिक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग की लपटें पास की फर्नीचर मार्केट तक भी जा पहुंची, जिससे फर्नीचर मार्केट भी आग की चपेट में आ गया और फर्नीचर मार्केट में आग के कारण भारी नुकसान होने का अनुमान है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।